हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज संडे का दिन है और मैं एक वीडियो को एडिट कर रही हूँ। और आज मेरे हस्बैंड का छुट्टी होता है, तो संडे का दिन वही चाय बनाना और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वही बनाते हैं। उन्हें कुकिंग का बहुत ही शौक है। वैसे इनको टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन संडे के दिन वो पूरी अपनी इच्छा पूरी करते हैं। और यहाँ देखिए, वो बच्चों के लिए ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं और यहाँ आलू और प्याज का बैटर बना के रखा है। और ये ब्रेड पकौड़े के लिए बेसन को इन्होंने घोल के रखा है। ये सिंपल तरीके से ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, बस बेसन में डिप करके फ्राई करते हैं। बच्चों को मेरे यही पसंद आता है। यहाँ प्याज और आलू के पकौड़े सबसे पहले तैयार हो गए, तो मैंने बच्चों को दे दिया था खाने के लिए। पहले मेरे बच्चे ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर हम दोनों बैठ करके आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। आज लंच में मेरे हस्बैंड चिकन बिरयानी बना रहे हैं। और मेरे हस्बैंड का चिकन बिरयानी बनाने का जो स्टाइल है बिल्कुल अलग है, और बिल्कुल फटाफट बन जाता है इनका चिकन बिरयानी, और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। सिर्फ आधे या 45 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। और देखिए, यहाँ पर इन्होंने राइस को फ्राई कर लिया है, और इसके बाद ये चिकन को फ्राई करेंगे। ये स्टाइल, जिस स्टाइल में मेरे हस्बैंड बनाते हैं, ये स्टाइल बहुत इजी है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं इसे ज़रूर एक बार आपके साथ शेयर करूँगी। और ये फटाफट बनने वाला रेसिपी है, बिरयानी भी है और फटाफट बन भी जाता है। ये चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो गया है, और अभी हम लोग जल्दी जल्दी लंच करेंगे, क्योंकि हम लोगों को अभी जाना है मार्केट में, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों की शॉपिंग करनी है और मुझे हेयर कट भी कराना है। आज मैं नेल एक्सटेंशन कराऊंगी और थ्रेडिंग भी कराना है, तो मुझे पार्लर भी। अब हम लोग सब लोग मार्केट जाने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा ड्राइवर लेट हो गया है, उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग रेडियो करके। मैंने थ्रेडिंग बनवा लिया है, और मैं वही देख रही थी कि कैसा बना, अच्छा बनाया था उसने। अब मेरा यहाँ हेयर कट हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कटाना था, बस ज़रा ज़रा ट्रिमिंग करानी थी मुझे। यहाँ पर वो ड्राई कर रहा है मेरे हेयर को। अब मैं यहाँ पर नेल एक्सटेंशन के लिए जा रही हूँ, तो अभी वो मुझे डिज़ाइन दिखा रही है कि आपको कौन से डिज़ाइन में आपका नेल एक्सटेंशन कराना है, उसमें आपको नेल आर्ट कराना है या सिंपल रखना है। तो मैंने बोला उसको सिंपल ही रखो। यहाँ मेरी बेटी जिद कर रही है कि मुझे भी नेल एक्सटेंशन कराना है, और उसे पार्लर वाली भी बोल रही है कि नहीं नहीं बच्चों को नहीं कराना है, नेल ख़राब हो जाएंगे, फिर भी वो जिद कर रही है। तो सब बोल रहे हैं कि जाके अपने पापा से पूछ कराओ कि नेल एक्सटेंशन करा लो। तो वो जा कर के पूछ के आई, तो उसके पापा ने बोला कि हाँ हाँ करा लो नेल एक्सटेंशन। तो वो आके बोल रही है कि पापा ने बोला है नेल एक्सटेंशन करा सकती हो। अब यहाँ पर मेरा देखिए नेल क्लीन कर रही है वो, अब फाइलिंग भी कर रही है, और फिर उसके बाद नेल कट करेगी वो मेरा, फिर उसके बाद नेल को लगाएगी, जो नकली वाले नेल होते हैं।
अब हम लोग शॉपिंग करने के लिए मॉल में आ गए थे, तो मुझे कुछ सामान लेना था, कुछ कटोरियाँ लेनी थी मुझे कुकिंग के लिए, और कुछ और भी सामान लेना था, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, तो मैं बस थोड़ा बहुत सामान लेकर के आ गई। देखिए, मैंने एक छन्नी भी लिया जो मेरे हाथ में है। फिर वहाँ ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं वापस आ गई। बस थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की शॉपिंग की है मैंने। गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइज़।